हेलो गाइस, दिस इज राजीव हियर एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ्स की। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं? तीन होते हैं, सिंपल इफ्स, नेस्टेड इफ्स एंड इफ्स लैडर। सो इसमें से फर्स्ट इफ्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। इस पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी किया था। अब सेकेंड देखने वाले हैं नेस्टेड इफ्स। सो आई विल हाईली रिकमेंड दैट प्लीज़ ये देखने से पहले, वीडियो देखने से पहले, नेस्टेड इफ्स देखने से पहले, इसे समझने से पहले आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लास्ट वाले वीडियो का लिंक दे दिया है, जाओ उसे देखो कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है और इफ्स क्या होता है, उसके बाद नेस्टेड इफ्स समझ में आएगा अच्छे से। सो नेस्टेड इफ्स जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि नेस्ट का मतलब क्या होता है। अगर गूगल पे जाके करोगे नेस्ट की मीनिंग सर्च, नेस्ट मीनिंग, तो आएगा घोंसला। सो बेसिकली जो चिड़िया होती है, जो बर्ड्स होती है, उनका जो घोंसला होता है कैसा होता है देखा होगा, राउंड एंड राउंड जो तिनका होता है, ठीक है, उससे उन्होंने राउंड राउंड करके घोंसला बनाया होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि एक सर्कल के अंदर तिनके का एक सर्कल, फिर उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा। सो बेसिकली नेस्ट का मतलब यही होता है, ठीक है, समथिंग सिमिलर इन साइड ऑफ समथिंग, द सेम थिंग, द बिगर वन, ओके, जैसे चिड़िया का घोंसला होता है। सो यहाँ पे नेस्टेड इफ्स का मतलब हुआ इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, इफ के अंदर इफ, फिर उसके अंदर इफ, एक इफ के अंदर कितना भी इफ हो सकता है, फिर एल्स के अंदर भी कितना इफ एल्स हो सकता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ नेस्टेड इफ्स। एंड नेस्टेड इफ्स की जरूरत क्या क्यों पड़ती है, चलो पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं, फिर जरूरत देखेंगे। तो ऐसा कोई फिक्स सिंटेक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है, कितना कंडीशन हमें लगाना है। फिर भी इफ कंडीशन, इफ का ब्लॉक, अब इफ के अंदर चाहे हम तो एक और इफ लगा सकते हैं, इफ का कंडीशन, फिर जो हमारा अंदर इफ है उसका ब्लॉक, अब हम चाहें तो हमारा जो इनर इफ है उसका एल्स भी दे सकते हैं, एल्स और फिर एल्स का ब्लॉक। इस इफ का कुछ स्टेटमेंट होगा, उसी तरह एल्स में भी कुछ स्टेटमेंट होगा, ओके। तो अब यहां देखो, यहां पे हमारा एक इफ है और इस इफ के अंदर एक इफ एल्स है, ठीक है। एल्स कहीं भी कंपलसरी नहीं होता, मैं पहले ही बता चुका हूं, लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया है, जाके देखना होगा, देख लेना उसे। सो यहां पे देखो, ये जो स्टेटमेंट है इनर इफ के अंदर, ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब पहले वाले इफ का कंडीशन ट्रू होगा, तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो कहाँ आएगा, फर्स्ट आउटर इफ के अंदर आएगा। फिर आउटर इफ के अंदर आएगा तो एक और कंडीशन मिलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो जो सेकंड इफ के अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। बट अगर इनर वाला इफ फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर कहाँ चला जाएगा, इनर वाले इफ का जो एल्स है उसमें, और जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला इफ एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब आउटर वाला इफ ट्रू होगा। यानी कि नेस्टेड इफ्स का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं कि सपोज एक कोई कंडीशन है, हमने चेक किया, ट्रू हो गया कंडीशन, उसके बाद हमें एक और कंडीशन चेक करना है, अगर वो भी ट्रू हुआ तब हमें कोई वर्क परफॉर्म करना है, तो ऐसे केसेस में हम नेस्टेड इफ्स का यूज करते हैं। अच्छा, अगर आउटर इफ इस ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर कहाँ जाएगा, आउटर इफ का तो कोई एल्स है नहीं, हम चाहें तो इसका भी एल्स लगा सकते हैं, एल्स, और इस एल्स के अंदर फिर से हम चाहें तो फिर से इफ्स दे सकते हैं, इफ, फिर इफ का ब्लॉक, इफ का ब्लॉक, और फिर इसमें जो भी हमें स्टेटमेंट देना है, स्टेटमेंट वन, ओके। और चाहे तो हम इनर इफ का एल्स भी दे सकते हैं, एल्स इज नॉट कंपल्सरी, सबको पता है, फिर एल्स में जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। सो अब जैसे एग्जांपल, ये वाला जो इफ है, जो एल्स के अंदर इफ है, वो कब एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले तो कंप्यूटर इस कंडीशन को चेक करेगा, पहला इफ अगर ये ट्रू हो गया तो कंप्यूटर इफ के अंदर चला जाएगा, फिर एल्स तो पूरा का पूरा एल्स एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, बट अगर हमारा ये इफ क्या हुआ फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर कहाँ आएगा, आउटर इफ के एल्स के अंदर, एल्स के अंदर आएगा तो फिर से इफ मिलेगा, अगर इफ ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा, और फॉल्स हुआ तो इनर इफ के एल्स के अंदर चला जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो देखा यहाँ पे कैसे इफ के अंदर इफ एल्स, फिर एल्स के अंदर भी इफ एल्स, वैसे हम इसको जितने लेवल तक चाहें उतने लेवल तक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस इफ के अंदर फिर से हमें एक और कंडीशन चेक करना है, सो इफ
कंडीशन, इसका ब्लॉक। अब इसमें जो स्टेटमेंट होगा वो कब एग्जीक्यूट होगा, पहले एक कंडीशन ट्रू होगा तो कंप्यूटर इस वाले आउटर इफ के अंदर आएगा, फिर सेकंड इफ चेक होगा, अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो गया तो कंप्यूटर इस इफ के अंदर आएगा, फिर ये वाला कंडीशन चेक होगा ये वाला थर्ड इफ, अगर ये भी ट्रू हुआ तो कंडीशनल स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। यानी तीन तीन कंडीशन ट्रू होने के बाद कंडीशन स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम चाहें तो इस इफ का भी एल्स दे सकते हैं, ठीक है, इसमें भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। सो होप यू गेट दैट कि यहाँ पर मेन मैं समझाना क्या चाहता हूँ, कहीं पे भी किसी भी इफ एल्स के अंदर कितना भी इफ एल्स हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। जैसे यहाँ पे इफ एल्स है, फिर इसके ठीक नीचे एक और इफ एल्स हो सकता है, कंडीशन इफ, फिर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 या फिर स्टेटमेंट 4 जो भी देना है। तो जरूरी नहीं है कि मैं इसका एल्स भी दूँ, एल्स इज़ नॉट कंपल्सरी, मैं इसका एल्स नहीं देता हूँ। तो अब देखो हमारा जो आउटर इफ है इसके अंदर कितने इफ हैं, एक तो हमारे इफ एल्स का पेयर हो गया, ठीक है, और एक दूसरा ए इफ हो गया। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब एक इफ के अंदर कितने भी इफ हो सकते हैं, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, फिर उसके अंदर इफ, फिर उसके अंदर इफ, जितने लेवल तक चाहे हम कंडीशन दे सकते हैं। सो होप नेस्टेड इफ एल्स का सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड एज एंड एज ऑफ अ वोटर एंड आस्क इफ ही हैव द वोटर आईडी और नॉट, देन प्रिंट इफ ही हैड वोटर आईडी एंड हिज एज, हिज और हर कुछ भी हो सकता है, हिज हर एज इज अबव 18, देन प्रिंट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है, इसको मैं एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। हालांकि यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स के बिना भी ये प्रोग्राम हो जाएगा, सिंपल एक इफ से भी हो जाएगा, बट मैं याद करके इसको दिखाता हूँ नेस्टेड इफ एल्स से। सो इस प्रोग्राम में करना क्या है, यूजर से हमें दो चीज़ इनपुट लेना है, क्या क्या कि जो यूजर है उसका एज क्या है, ठीक है, हमें दो चीज़ इनपुट लेना है, एज और सेकंड कि वोटर आईडी, किसी भी इंसान के पास उसके पास वोटर आईडी है कि नहीं, ठीक है। तो किसी भी पर्सन का दो डिटेल हम लेंगे, पहला उसका एज और दूसरा उसका वोटर आईडी। वोटर आईडी वो कैसे इनपुट करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में एंटर करेगा, ठीक है। अगर उसके पास वोटर आईडी कार्ड है तो एंटर करेगा यस, YES, और अगर नहीं है तो एंटर करेगा नो। तो हमें क्या करना है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, यानी उसके पास वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, और उसका एज भी 18 से ज़्यादा है, तो हम प्रिंट कर देंगे ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स ही इज नॉट। सो दिस इज अवर प्रोग्राम। अब इस फाइल को मैंने सारा कमेंट में डाल दिया है, अब इस फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव एज। और मैं इसका नाम देता हूँ क्लास का, फाइल का नाम देता हूँ nested.java, ठीक है, करते हैं प्रोग्राम। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट java.util.*,
क्लास बना लेते हैं। क्लास क्लास का नाम क्या देंगे, नेस्टेड नाम से हमने सेव किया है तो ये पता ही होगा, जो क्लास नेम होता है उसी नाम से प्रोग्राम को सेव करते हैं। अगर फंक्शन बना रहे हो अपने अलग से तो मेन फंक्शन जिस क्लास में है उस नाम से सेव होगा। मेन फंक्शन बना लेते हैं, सबको पता होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगर नहीं पता है लाइन होता क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा जब फंक्शन स्टार्ट होगा। देन स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बिकॉज हमें इनपुट लेना है। एक वेरिएबल ले लेते हैं INT एज, एज स्टोर करने के लिए, और एक वेरिएबल स्ट्रिंग STR या फिर इज इज वोट इज वोटर ID। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल ले लिया, पहला एज और दूसरा इज वोटर ID। अब एज के पहले मैंने INT लिखा है क्योंकि इसमें हम एज स्टोर करने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है एज नंबर्स होता है। और इज वोट ID वेरिएबल के पहले मैंने स्ट्रिंग लिखा है, क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं, स्ट्रिंग। मतलब अगर यूजर ने यस एंटर किया तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, यस, और यूजर ने नो एंटर किया तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, नो। सबको पता होगा स्ट्रिंग क्या होता है, एनीथिंग रिटन अंडर डबल कोटेशन, सीरीज ऑफ करेक्टर, कुछ भी लिखा हो डबल कोटेशन के अंदर, इवन स्पेस भी है तो भी स्ट्रिंग है। जैसे हेलो वर्ल्ड भी डबल कोटेशन के अंदर है तो भी क्या है, स्ट्रिंग है। सो एनीथिंग रिटन अंडर डबल कोटेशन इज नोन एज स्ट्रिंग। तो क्लियर हो गया। अब मैसेज प्रिंट कर देते हैं, स्कैनर SC असाइन विथ न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे एज असाइन विथ SC.next INT, इंटीजर टाइप का इनपुट ऐसे ही लेते हैं। नेक्स्ट इनपुट क्या लेना है, इज वोट ID असाइन विथ SC.next स्ट्रिंग, या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिर्फ नेक्स्ट, क्योंकि हमें सिर्फ एक वर्ड रीड करना है। ठीक है, या तो यस यूजर एंटर करेगा या तो नो एंटर करेगा। तो इसके पहले भी एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, system.out.println डू यू हैव वोटर ID कार्ड। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हम इनपुट ले लेंगे। सो सिंपल करना क्या है, कुछ नहीं, पहला कंडीशन चेक करेंगे कि उसके पास उसका एज 18 से अबव है कि नहीं। भाई वोटर आईडी तो बाद में आता ही है ना, एज ही 18 नहीं हुआ, 18 से कम हुआ तो वोटर आईडी कार्ड कहाँ से होगा। सो इफ एज ग्रेटर देन 18, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब यहाँ पे यूजर ने एज जो एंटर किया है, सपोज एज 19 है, तो पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया। तो अब क्या यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट प्रिंट एंड यू एलिजिबल फॉर वोटिंग? नो, नहीं कर सकते। अभी एक और कंडीशन देखना है, क्या देखना है वो कंडीशन, कि वोटर आईडी कार्ड है कि नहीं। तो यूजर कहाँ एंटर किया होगा, वोटर आईडी इज वोट आईडी वेरिएबल में अपना आंसर, या तो उसने अगर होगा तो यस एंटर किया होगा और नहीं होगा तो नो एंटर किया होगा। ठीक है, तो यहां पे एक और कंडीशन चेक करना होगा, इफ इज वोट आईडी इक्वल्स टू यस। ऐसे कर सकते हैं क्या, हम नहीं कर सकते एक्चुअली, क्योंकि जो हमारा ये इक्वल्स टू है, ये जो इक्वल्स टू है ये सिर्फ नंबर्स को कंपेयर करता है, रिलेशनल ऑपरेटर है, ये स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं करता। स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम फंक्शन का यूज करेंगे। तो इज वोट आईडी डॉट, यहां पे हम इक्वल्स इग्नो केस फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल्स इग्नो केस फंक्शन क्या होता है मैं यहां बता देता हूं। दो अगर स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग S1 असाइन विद हेलो, और दूसरा स्ट्रिंग है स्ट्रिंग S2 असाइन विद हेलो। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करना है, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप बताओ ये दोनों बराबर हैं, नहीं है बराबर, क्यों? क्योंकि इस वाले हेलो में H क्या है, लोअर केस में है, और इसमें अपर केस में है।
या फिर मैं कम्प्लीटली डिफरेंट ले लेता हूँ, या चलो यही दोनों रहने देता हूँ। इन दोनों को अगर मुझे कंपेयर करना है, मान लो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हमें कुछ वर्क परफॉर्म करना है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं एस वन इक्वल्स टू एस टू, इस तरीके से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू जो है मैंने अभी बताया नंबर्स पे वर्क करता है, और एस वन एस टू क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए जावा ने हमें फंक्शन दिया है, दो फंक्शन है, पहला इक्वल्स और दूसरा इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स जो है केस के बेसिस पे भी कंपेयर करता है, मतलब मान लो एक लोअर केस में है दूसरा अपर केस में है, तो क्या ये रिटर्न कर देगा, फॉल्स, मतलब दोनों बराबर नहीं है। और इक्वल्स इग्नोर केस क्या करेगा, अगर दोनों एक अपर केस में और एक लोअर केस में है तब भी उसको कोई, उसको केस से कोई मतलब ही नहीं है कौन सा अपर केस में कौन सा लोअर केस में है, अगर लेटर्स सेम है दोनों में और सिक्वेंस सेम है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो जैसे मान लो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, तो पहला तरीका क्या है, एस वन डॉट इक्वल्स फंक्शन का नाम जो कंपेयर करेगा, और फिर ब्रैकेट में दूसरे को पास कर देंगे एस टू को। अब ये इक्वल्स करेगा क्या, दोनों को कंपेयर करेगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, तो ट्रू तो बुलियन वैल्यू है ना, और बुलियन वैल्यू को हम बुलियन टाइप के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो एक बुलियन टाइप का वेरिएबल ले लो, बुलियन ए असाइन विथ एस वन डॉट इक्वल्स एस टू। तो एस वन एस टू देखो दोनों बराबर हैं, नहीं है, क्योंकि एस वन में जो हेलो है उसका एच स्मॉल है और एस टू में जो हेलो है उसका एच कैपिटल है। तो यानी ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ए में क्या आ जाएगा, फॉल्स। अच्छा मान लो हमें इफ में चेक करना है अगर कि दोनों एस वन और एस टू अगर बराबर हैं तो कुछ वर्क परफॉर्म करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए में ट्रू आया होगा तो इफ क्या हो जाएगा, ट्रू, और अगर ए में फॉल्स आया होगा तो इफ क्या हो जाएगा, फॉल्स। या फिर एक शॉर्टकट है, ये जो एस वन डॉट इक्वल्स एस टू है इसको यहाँ से कट करो और यहाँ पे सीधे लिख दो इफ के अंदर। ठीक है, तो एस वन में कितना है, हेलो, और एस टू में कितना है, हेलो, बट उसका एल एच कैपिटल है, तो इसके बदले इफ के अंदर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इफ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आया समझ में? अच्छा, हम चाहते हैं, हमें केस से मतलब नहीं है, केस को हमें इग्नोर कर देना है, कौन सा अपर केस में कौन सा लोअर केस में उसे मतलब नहीं रखना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस में इग्नोर का आई कैपिटल होगा और केस का सी कैपिटल होगा। इक्वल्स इग्नोर केस क्या करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा एस टू और एस वन को, देखो दोनों बराबर है ना, दोनों का बस केस डिफरेंट है, तो केस से उसको मतलब नहीं है कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है उसे मतलब नहीं है, तो इसके बदले क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो इफ ट्रू हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का हम स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए सेम इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। तो हमारा स्ट्रिंग किस में है, इज वोट आई डी वेरिएबल में, यूजर इसी में एंटर करेगा, तो इफ इज वोट आई डी, और किससे कंपेयर करना है हमको, यस से, तो यस किसी वेरिएबल में तो नहीं है ना, यस से, तो हम इसी यहाँ डबल कोटेशन में क्या लिख देंगे, यस। ठीक है, अब अगर ये भी ट्रू हो गया तो इफ के अंदर हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एलिजिबल फॉर वोटिंग। अच्छा, अब मान लो ये फॉल्स हो गया, मतलब इज वोट आई डी, ये जो वेरिएबल है इसमें यूजर ने एंटर कर दिया नो, तो ये क्या होगा, जो अंदर वाला इफ है क्या हो जाएगा, मान लो एज वेरिएबल में यूजर ने एंटर किया 19, तो पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया क्योंकि एज में 19 है, बट दूसरा इनर वाला इफ क्या हो गया हमारा, ये इनर वाला जो इफ है ये फॉल्स हो गया, तो अब एल्स इसका लगाना होगा इनर वाला इफ का, सो एल्स, और एल्स में क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, अच्छा मान लो अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया, यही पहला वाला ही, मतलब यूजर ने यहाँ पे एंटर किया एज 17, तो भाई ये वोटर आईडी हो या ना हो उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि 17 है तो वोटर आईडी हो ही नहीं सकता, तो हम सीधे इस आउटर वाले इफ का एल्स लगाएंगे। देखो ये लाइन देख रहे हो, सीधी लाइन, यहाँ पे इफ एंड हो रहा है तो इसके नीचे एल्स, और इस एल्स में क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो यहाँ देखो इफ के अंदर मैंने फिर से इफ एल्स का यूज किया है,
और यहाँ else के अंदर मुझे ज़रूरत नहीं था फिर से if else का, ज़रूरत रहता तो यहाँ भी यूज कर लेते। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सेव कर लिया मैंने इस प्रोग्राम को, किस नाम से मैंने सेव किया है, नेस्टेड नाम से, तो याद रखना। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे सो सीडी यूट्यूब सीडी कौन सा टीच विथ वीएस कोड, ओके तो सीडी टीच विथ वीएस कोड। अब कंपाइल करते हैं तो जावा सी, होप सबको दिख रहा होगा क्लियर, जावा सी, क्या नाम है, नेस्टेड डॉट जावा, एंटर करते हैं। ओके, एरर है एलिजिबल फॉर वोटिंग वेरिएबल के बाद मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया है यहाँ पे, ये देखो मैंने सेमी कॉलन यहाँ छोड़ा है, लगा लो। अब इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ या फिर मैं नीचे कर दे तब भी क्लियर दिखेगा। सो जावा सी, ओके दिस मच एरर, प्रॉब्लम क्या है, ओके ये सिस्टम डॉट इन, बेसिकली यहाँ पे यही होता है खुद से नहीं टाइप करने का, वी एस कोड में बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है, अब मैं बस एंटर करता गया इसलिए सब गलती हो गया। ठीक है, तो आई डोंट नो अभी और क्या क्या मैंने मिस किया है, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ओके स्टिल इज शोइंग वन एरर, स्कैनर एस सी असाइन विथ न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन वेरिएबल एस सी इज ऑलरेडी डिफाइंड मेथड मेन वे, ओके स्कैनर लाइन दो बार हो गई है, आई नो बहुत ज़्यादा एरर हो गया, अरे ब्लंडर है, एरर नहीं है, बच्चों वाली गलती है, बट एक्चुअली एक खुद से टाइप नहीं करने का रिजल्ट है। फाइन, अब नहीं आएगा एरर, आई एम डैम श्योर नहीं आया, रन करते हैं। सो जावा नेस्टेड, सो देखो ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है अभी, ये जो साइन विथ एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी यानी इनपुट मांग रहा है, तो हम एंटर करते हैं 17, एंटर। डू यू हैव वोटर आई डी कार्ड, तो देखो ये लाइन अभी एग्जीक्यूट हो रही है, मैसेज दे दिया डू यू हैव वोटर आई डी कार्ड, और उसके नीचे मैंने इनपुट लेने लाइन लिखी है तो इनपुट मांग रहा है, मैं एंटर कर देता हूँ, नो ऑब्वियस ही बात है ना एज 17 है तो देखो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। मैं काम करता हूँ थोड़ा चेंज करता हूँ, इसके ऊपर भी एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर यो एज, अब ज़्यादा क्लियर होगा। सो फिर से रन करते हैं, मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ ताकि आउटपुट क्लियर दिखे। सो क्लियर, देन रन करते हैं फिर से जावा सी नेस्टेड डॉट जावा, जावा नेस्टेड एंटर योर एज, हुआ क्या, होप उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो पहले लाइन एग्जीक्यूट हुआ लाइन नंबर 23, तो मैसेज प्रिंट किया एंटर योर एज, और उसके ठीक नीचे कौन सी लाइन है एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, तो नेक्स्ट 90 का काम क्या है, यूज़र से इनपुट लेना, ये कमेंट में हटा देता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे देखो एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है मतलब इनपुट मांग रहा है, तो मैं एंटर कर देता हूँ एज इस बार 19, एंटर। अब देखो क्या आ गया मैसेज, डू यू हैव वोटर कार्ड आई डी, यानी कि अभी वाला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, डू यू हैव वोटर कार्ड आई डी, और फिर उसके अगले लाइन में इनपुट मांग रहा है, ये देखो एस सी डॉट नेक्स्ट, तो मैं इस बार एंटर करता हूँ यस, एंटर, देखो एलिजिबल फॉर वोटिंग, देखा मतलब हुआ क्या, मैंने एज में कितना एंटर किया 19, तो ये जो हमारा पहला कंडीशन है एज ग्रेटर देन 18, ये पहला कंडीशन,
ये कंडीशन ट्रू हो गया, फिर कंप्यूटर इफ के अंदर आया तो फिर ये वाला कंडीशन चेक किया, तो हमने क्या एंटर किया था इस वोट आईडी में, यस, तो ये भी ट्रू हो गया और क्या प्रिंट कर दिया, एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, दूसरी चीज़ अब देखते हैं, एक बार और रन करते हैं। सो अब मैं एज देता हूँ 20 और वोटर आईडी कार्ड नो, तो देखो नॉट एलिजिबल वोटिंग। हुआ क्या, ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो गया, एज 20 था, बट ये वाला कंडीशन क्या हो गया, ये जो एज वाला कंडीशन है ये फॉल्स हो गया, तो कंप्यूटर इनर वाले इफ के एल्स में चला गया और क्या प्रिंट कर दिया, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। सो होप ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, जो भी मैंने इसमें समझाया सब समझ में आ गया होगा। सो हम लोग का सिंपल इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफ एल्स लैडर देखेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ प्रोग्राम्स करेंगे इन सब पे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।